एक लिमिट्स का क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं हम लोग, जेईई मेन 2019-11 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था, इसको पहले पढ़ लो। लेट ब्रैकेट एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टैन पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट एक्स का होल स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ये किसके बराबर होगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी तुम्हारे सामने ब्रैकेट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन पूछा गया है, और जीरो पर उसका नेचर कैसा होता है ये अगर आपको पता होगा तो बड़े आसानी से इसको तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें x टेंडिंग टू जीरो लिखा हुआ है, इसमें RHL भी आपको निकालना है, LHL भी निकालना है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। जब भी ब्रैकेट यूज हो क्वेश्चन में कहीं पर और x टेंडिंग टू 5, x टेंडिंग टू 6 या x टेंडिंग टू कुछ फाइनाइट ऐसा लिखा हुआ है, तो आप तुरंत समझ लिया करो कि उसमें RHL और LHL दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसमें RHL और LHL कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें दो भाग करने पड़ेंगे, एक तो RHL और एक LHL, ठीक है। इसमें हमें दो तरीके सॉल्व करना पड़ेगा, एक RHL और एक LHL, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें LHL निकाल लें, चलो LHL निकालते हैं। LHL के लिए x बराबर हमें 0 माइनस एच रखना पड़ेगा, ठीक है। और RHL निकालना होता तो हमें क्या करना होता, RHL निकालने के लिए x बराबर 0 प्लस एच रखना होता, ठीक है। जो भी यहाँ लिखा हुआ है उतना प्लस एच कर दोगे RHL, उतना माइनस एच कर दोगे LHL, और h के लिए क्या है लिमिट h टेंडिंग टू 0, h जहाँ पर भी आने वाला है बहुत छोटा होगा। तो जब x बराबर 0 माइनस एच रखोगे तो ये कितना बनेगा, tan यहाँ पर पाई और 0 माइनस एच है तो साइन स्क्वायर माइनस एच, जो कि साइन स्क्वायर एच ही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया, और इसके आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच है तो माइनस एच का मॉड, माइनस एच का मॉड और माइनस साइन, और यहाँ पर माइनस एच और यहाँ पर माइनस एच, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं उधर से हटा दे रहा हूँ इसे, ठीक है। चल, तो ये हो गया, और नीचे यहाँ पर 0 माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब माइनस एच का होल स्क्वायर ये करेंगे, और लिमिट एस टाइम टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो, RHL LHL दोनों निकालना हो, तो जैसे LHL निकालना है तो जहाँ जहाँ x यूज हुआ है वहाँ वहाँ पे जो भी यहाँ लिखा है उतना माइनस एच, यहाँ पे x टेंड टू 0 लिखा तो 0 माइनस एच यहाँ रख दिया, 0 माइनस एच यहाँ रख दिया, यहाँ पे 0 माइनस एच, 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो माइनस एच, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ठीक है। टैन के अंदर ये पाई कितना जाएगा, पाई साइन स्क्वायर एच, ठीक है। पहले तो देखते हैं और कितना सिंपल हो सकता है, ठीक है। तो मॉड की सिंपल सी प्रॉपर्टी, मॉड माइनस एच बराबर एच होता है, तो चलो वो भी हो गया। जैसे मॉड के अंदर माइनस टू लिखा हुआ है तो बराबर टू होता है ना, तो मॉड माइनस एच बराबर एच, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रॉपर्टी, और माइनस एच का ब्रैकेट लिखा हुआ है तो माइनस एच का ब्रैकेट माइनस वन होता है, ठीक है, ये जो है माइनस वन के बराबर होता है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है ना, तो थोड़ा सा भी नेगेटिव है तो माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिलहाल ये कितना हो जाएगा, माइनस वन और ये माइनस वन एच हो गया, इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सही दिख रहा है ना, तो इसको हटा दें यहाँ से। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो अब यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, टैन के अंदर ये जो लिखा हुआ है पाई साइन स्क्वायर एच, आप इसमें पाई साइन स्क्वायर एच से डिवाइड कर सकते हो और पाई साइन स्क्वायर एच से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नीचे एच स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। इस पहले वाले को लिया और दूसरी तरफ एच माइनस साइन एच का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर हमने लेफ्ट में डिवाइड किया, राइट में डिवाइड किया, लेफ्ट में डिवाइड किया तो हमने क्या किया, इन दोनों से मतलब पाई साइन स्क्वायर एच से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर लिया, इसलिए कर लिया ताकि ये वन बन जाए, ठीक है। तो चलो इसको आगे और बढ़ाते हैं, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा वन और ये बन जाएगा वन, और लेफ्ट साइड में आ गया पाई। अच्छा इधर देखो, इधर एच अगर अंदर जाएगा तो एच माइनस साइन एच अपॉन एच का होल स्क्वायर बनेगा,
और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगाते हुए चलें, क्यों? क्योंकि अभी एच खत्म नहीं हुआ है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और पाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस साइन एच अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये पाई प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब पाई ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो एल एच एल है वो पाई के बराबर है, समझ में आ रही बात। तो ये जो क्वेश्चन आया था इसका जो एल एच एल है वो कितना आ गया, पाई के बराबर, ठीक है। अब आता है समय इसका आर एच एल निकालने का, ठीक है। तो चलो इसका आर एच एल भी जल्दी से निकाल देते हैं, इसको हटा दें। तो चलो अब इसका आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले लूँ। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। जगह यहाँ पे कम पड़ रही है, कॉपी और यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक मैंने इसका एल एच एल निकाल के दिखाया, अब मैं इसका आर एच एल निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आर एच एल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर एच एल के लिए हमें x बराबर 0 प्लस h रखना पड़ेगा, ठीक है। एल एच एल के लिए हमने क्या किया था, 0 माइनस h रखा था, और आर एच एल के लिए 0 प्लस h, एल एच एल के लिए 0 माइनस h, आर एच एल के लिए 0 प्लस h। तो tan पाई साइन स्क्वायर h, 0 प्लस h मतलब साइन स्क्वायर h, ठीक है। और यहाँ पर h माइनस साइन h ब्रैकेट h, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0 प्लस h होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, 0 प्लस h रखना है तो साइन स्क्वायर h आएगा, ठीक है। 0 प्लस h रखेंगे तो मॉड के अंदर h आएगा, तो ऐसे हमने लिख डाला, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देंगे h के लिए इन्फॉर्मेशन, h टेनिंग टू 0, ठीक है। अब क्या करने वाले हो, अब देखो फिर से वही चीज़, यहाँ पर tan पाई साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर बगल में ले लो, और यहाँ पर h माइनस साइन h इंटू और ब्रैकेट एक्स तो 0 हो जाएगा ना, होल स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर, ये कर देंगे। ये 0 कैसे हो गया आपको पता है, ब्रैकेट के अंदर अगर h है और लिमिट h टेंडिंग टू 0, h बहुत छोटा है, अरे ये कुछ ऐसा हो रहा है 0.00001 ऐसा, तो ये 0 आता है जैसे ना, तो वैसे ये भी 0 ही आएगा, ठीक है। h बहुत छोटा है, 0 के नज़दीक है पर 0 से बड़ा है, ठीक। बस हमने ये किया, और इसके बाद फिर से वही काम, यहाँ पर ये जो tan के अंदर दिख रहा है, tan ने क्या डिसाइड कर रखा है, tan के अंदर कुछ क्वांटिटी है ना, वो 0 के करीब जा रही है वो क्वांटिटी, तो अगर वही बाहर हो जाए उसके नीचे तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो tan के अंदर पाई साइन स्क्वायर h लिखा हुआ है ना, तो पाई साइन स्क्वायर h हमने इसको दे दिया, ठीक है। इससे tan जो है खुश हो जाएगा, और नीचे h स्क्वायर लिख देंगे, और उधर क्या आ रहा है, इधर h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर आ रहा है क्या, हाँ इधर आ रहा है h स्क्वायर h माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये तो 1 बनने वाला है। तो tan ने डिसाइड किया था कि उसके अंदर जो है वही बाहर अगर आ गया, और tan के अंदर जो है वो 0 के करीब जा रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। tan का ऐसा ही होता है फॉर्मूला, ठीक है। tan fx अपॉन fx बराबर 1 होता है अगर fx वैल्यू 0 के करीब जाए, तो ये तो 1 हो गया, ये भी sin h / h का होल स्क्वायर 1, और इसका आंसर पाई प्लस 1 आ रहा है, ध्यान दे रहे हो, पाई प्लस 1। तो आर एच एल इसका पाई प्लस 1 है, और एल एच एल अभी निकाला था वो पाई है, तो इसका मतलब ये हुआ डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी जो लिमिट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आर एच एल राइट हैंड लिमिट है वो अलग आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी अलग आ रही है, जिसकी वजह से हम क्या आंसर फाइनल करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, समझ में आ गया। जब भी ब्रैकेट एक्स का क्वेश्चन आए, मतलब ब्रैकेट फंक्शन का क्वेश्चन आए और x टेंड टू फाइनाइट लिखा हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसका आर एच एल भी निकालना है और एल एच एल भी निकालना है, ठीक है, तभी सॉल्व करना है, ब्रैकेट में ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब तुमसे सिर्फ आर एच एल पूछ लिया जाए तो ठीक है, 0 प्लस एच या जो भी लिखा हुआ है x टेंड टू a, तो a प्लस एच रख के एक एक ही निकाल, मगर x टेंड टू a लिखा हुआ है, x टेंड टू a पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो सिर्फ आर एच एल निकालना है, एल एच एल नहीं निकालना है। x टेंडिंग टू a नेगेटिव लिखा हुआ है, देखो ऐसे मैं कह रहा हूँ, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव ऐसे कह दिया जाए, तो सिर्फ आर एच एल निकालना है, मतलब x बराबर a प्लस एच रख के सॉल्व करना है सिर्फ, ठीक है। और लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ एल एच एल निकालना है, ठीक है, x बराबर a माइनस एच रख देना है। और अगर लिमिट x टेंडिंग टू a लिखा हुआ है, तो आपको दोनों निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव भी निकालना है
और लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव भी निकालना है, RHL भी निकालना है, LHL भी निकालना है। दोनों बराबर होंगे तब लिमिट एक्सिस्ट करेगी, और दोनों बराबर नहीं होंगे तो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।